मैं 20-21 साल से खेती करता हूँ। पहले पिताजी खेती किया करते थे, उसके साथ काम करता था। खेती में मन लग गया तो खेती करने लग गया। मैं दो फसल करता हूँ, गेहूँ और चावल की। तेल लेके आने से सारी फसल ख़राब हो जाती थी, बिल्कुल भी बहुत नुकसान होता था। जिस खेत में 28-30 क्विंटल जीरी निकलती थी, उसमें 12-13 क्विंटल से धान निकलता था। इसका उपाय, पहले बुफ्रजिन दवाई आई, उसके स्प्रे किया, थोड़े दिन उसका असर हुआ, फिर स्प्रे किया, 2-3 स्प्रे करते थे, फिर भी ये बहुत कम मरता था। तेले से जितनी खेती करते पूरा का पूरा सब हो जाता था। डब्ल्यू पॉइंट के डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा एक दवाई है ट्रायल वाले अपने खेत में, मैं डॉक्टर साहब लगा दो ट्रायल। उन्होंने ट्रायल लगाया, दवाई देखी, मैंने अपने खेत भी देखा, उसका ट्रायल लगा, खेत भी देखा, दोनों खेत देखे। उसके ट्रायल में जो खेत था उसका, उससे बिल्कुल तेल नहीं था, मेरे में फिलहाल बहुत तेला था। मैंने दोबारा स्प्रे किया, उसमें वही को उसने 25 दिन बाद उसने एक स्प्रे और कर दिया। उसके बाद फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा उसका खेत रहा। मैंने बोला डॉक्टर साहब से, भाई दवाई कब लॉन्च होगी आपकी? डॉक्टर साहब ने कहा भाई दवाई तुम्हारी अभी नहीं लॉन्च होगी। मैं जब लॉन्च होगी फ़ोन कर दिया मेरे पास, उन्होंने अगस्त में फ़ोन किया अभी तुम्हारी दवाई लॉन्च हो चुकी है। मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन किया अभी कितने ml दवाई गिरेगी? उन्होंने कहा 1 एकड़ में 94 ml दवाई गिरेगी। दवाई की दुकान पे गया, मैंने वहाँ दवाई ली, पेक्सलोन के नाम से दवाई थी, डूपोंट कंपनी की। मैंने दवाई ली, 16 किलो की दवाई लेके आया गया मैं। तो मैंने 200 लीटर पानी में 94 ml दवाई मिला के स्प्रे कर दिया सारे में। डॉक्टर साहब ने कहा था अभी 21-25 दिन के बाद एक स्प्रे हल्का सा कर देना अपना खेत में। मैंने बुफ्रोजिन ली दवाई, उसका एक स्प्रे कर दिया हल्का सा, तो उसके बाद मेरे खेत में बिल्कुल भी कोई तेला नहीं आया। मेरे खेत में कम से कम 1 एकड़ में 2-3 क्विंटल दाने फालतू हुए। पहले तो 2-3 स्प्रे किया करते थे, लेबर की बहुत ज़्यादा समस्या थी, बार बार लेबर बुलाते स्प्रे करते थे, बहुत नुकसान होता था, खेत में भी नुकसान हो जाता था। आपकी बार तो पैक्सलोन जो डब्ल्यू कंपनी की दवाई में एक ही बार स्प्रे किया, एक हल्का सा दोबारा स्प्रे किया, उसे बहुत फ़ायदा हुआ। मन में शांति है, अभी सुकून है। जब किसी किसान को फ़ायदा होता है तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है। ऐसे मैं अपनी गुड़िया को तो DC बनाने का सपना मेरा, उसको DC बनाऊंगा और घरवाली के लिए कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीदूंगा।